The games played on mobile are violent, explicit. उसमें सबको मारना, गाड़ी, guns, bomb वही feel आता है, सब मजा आता है। ये PUBG वाला है क्या? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या? कि भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना फ्यूचर उसमें भी है। इस ट्वीट में हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर ने कहा कि वीडियो गेम्स एडिक्टिव भी हो सकती हैं और वायलेंट भी। उन्होंने कहा कि किसी गेम की आलोचना करना कोई सलूशन नहीं है, सलूशन ये है कि इंडिया खुद की गेम्स बनाए जो हमारी वैल्यूज को दर्शाती हो। और इसी वजह से पबजी ने अपनी पूरी ओनरशिप ही नहीं बदली बल्कि एक न्यू वर्जन लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया, जहां प्लेयर्स पूरे कपड़े पहनेंगे और जहां कम वायलेंस भी देखा जाएगा। ऐसे गोली लगने पर खून दिखने की बजाय एक ग्रीन हिट इफेक्ट दिखेगा। और बस हमारे यूनियन मिनिस्टर ही हमारे समाज के वायलेंस का दोष वीडियो गेम्स पे नहीं डाल रहे। मार्च 2019 में नव भारत टाइम्स, जो एक पॉपुलर हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, उनने भी एक एडिटोरियल पब्लिश किया जहां उन्होंने कहा कि पबजी की वजह से बच्चे साइकोपैथ बन सकते हैं। उसी साल गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ऐसा ही आर्गुमेंट दिया था पबजी को बैन करने के लिए। पर ये कहना कि वीडियो गेम्स की वजह से हमारे समाज में वायलेंस हो सकता है, ये बस इंडिया में नहीं पाया जाता, US में भी ऐसी बातों की चर्चा होती है। जैसे अगस्त 2019 में जब एक गनमैन ने टेक्सास में 22 लोगों की हत्या कर दी थी, तब कई पॉलिटिशियंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वायलेंट वीडियो गेम्स पर दोष डाला था। We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. और ये कोई नई बात भी नहीं है, सेम बात वीडियो गेम्स के बारे में करीब 30 साल से बोली आ रही है। ये सेंटिमेंट स्पेशली पॉपुलर हो गया था 1990s में, जब वुल्फेंस्टाइन 3D और डूम जैसी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स पॉपुलर हो रही थी। और इंडिया में वायलेंट वीडियो गेम्स की ऐसी इमेज बन गई है, इससे हमें इतना सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया के हिसाब से ऐसी कई स्टोरीज देखने को मिली हैं जहां वीडियो गेम्स की वजह से कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे 2018 में एक 19 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को मार दिया था क्योंकि एलिजेडली वो ऑनलाइन गेम से एडिक्टेड थे। अगस्त 2020 में 3 पबजी प्लेयर्स ने एक आदमी की हत्या कर दी थी जब उस आदमी ने उनको आवाज कम करने के लिए कहा। और हमें ऐसी कई और स्टोरीज दिखेंगी। पर रिसर्च क्या कहती है वायलेंट वीडियो गेम्स के इम्पैक्ट के बारे में? क्योंकि रिसर्च के बजाय अगर हम मीडिया हेडलाइंस पर निर्भर करेंगे तो उसी हिसाब से तो क्रिकेट को भी बैन कर देना चाहिए। अब कई रिसर्चर्स ने जांचने की कोशिश करी है कि क्या वीडियो गेम्स से वायलेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं या नहीं। अब इसके बारे में 100% अग्रीमेंट नहीं है, पर मोस्टली रिसर्चर्स कहते हैं कि कोई लिंक नहीं है वीडियो गेम्स और वायलेंस के बीच। जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए कि वायलेंट वीडियो गेम्स की वजह से वायलेंस हो सकता है। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि US में बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जाता है कि कैसे वीडियो गेम्स की वजह से वायलेंस हो रहा है, पर इतना अटेंशन अगर वो गन ओनरशिप के बारे में देंगे तो बेहतर होगा। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वीडियो गेम रेवेन्यू पर पर्सन जो है वो साउथ कोरिया और जापान में ज्यादा है US से, यानी कि जापान और साउथ कोरिया में ज्यादा लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। पर इसके बावजूद US में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है वायलेंस से। अब जापान में कई पॉपुलर वीडियो गेम मेकर्स हैं जैसे निंटेंडो, सेगा और सोनी, और साउथ कोरिया में भी पॉपुलर गेमिंग इंडस्ट्री है। पर दोनों देशों में गन खरीदना बहुत आसान नहीं, जबकि US में गन खरीदना एक डॉग को अडॉप्ट करना या फिर वोट के लिए रजिस्टर करने से ज्यादा आसान। अब चाहे कि रिसर्च स्टडीज ये दिखाती हैं कि वीडियो गेम्स की वजह से एक ब्रॉड लेवल पर वायलेंस नहीं हो रहा, पर ये जरूरी नहीं है कि वीडियो गेम्स एक इंडिविजुअल पर कोई इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि चाहे कुछ स्टडीज ने वीडियो गेमर्स की ब्रेन एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके ये देखा कि अग्रेशन और वायलेंट वीडियो गेम्स में कोई लिंक नहीं है, जबकि दूसरी स्टडी ने पार्टिसिपेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले लोगों को डेली 2 महीने के लिए GTA 5 खेलनी थी, दूसरी कैटेगरी के लोगों को सिम्स 3 खेलनी थी और तीसरी कैटेगरी के लोगों को कोई भी गेम नहीं खेलनी थी, और रिसर्चर्स ने कोई भी अग्रेशन नहीं देखा उन गेमर्स में। पर दूसरी स्टडीज ने दिखाया कि एक्चुअली वीडियो गेम्स खेलने से अग्रेशन बढ़ सकता है लोगों का। जैसे एक स्टडी जिसने 24 दूसरी स्टडीज को इवैल्यूएट किया, जहां 17,000 पार्टिसिपेंट से 2010 से 2017 के बीच, उसने पाया कि वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने से फिजिकल अग्रेशन बढ़ जाता है लोगों में। अब मान लीजिए कि वीडियो गेम्स की वजह से एक इंडिविजुअल का अग्रेशन एक्चुअली बढ़ जाता है। अब हम ये कैसे बैलेंस करें कि इंडिविजुअल का तो अग्रेशन बढ़ जाता है,
पर उसकी वजह से ज्यादा वायलेंस नहीं हो रहा। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स को समझना होगा। अब इस पेपर ने ये नहीं दिखाया कि वीडियो गेम्स और वायलेंस के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, बल्कि एक्चुअली उनका कंक्लूजन ये था कि वायलेंट वीडियो गेम्स की वजह से क्राइम कम हो जाता है। अब ये होता दो इफेक्ट्स की वजह से, बिहेवियरल इफेक्ट और इनकैपेसिटेशन इफेक्ट। अब ये रिसर्चर्स कहते हैं कि वो उन स्टडी से अग्री करते हैं जो ये कहते हैं कि वायलेंट वीडियो गेम से एक इंडिविजुअल में अग्रेशन बढ़ता है और इसी को वो बिहेवियरल इफेक्ट कहते हैं। तो उनके हिसाब से वीडियो गेम्स वायलेंस क्रिएट कर सकती हैं, और वो कहते हैं कि वीडियो गेम्स वायलेंस क्रिएट कर सकती हैं, पर वो ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि वीडियो गेम्स खेलने के दौरान जो गेमर्स होते हैं वो बिजी रहते हैं और वो बाहर नहीं जाते, जिसकी वजह से क्राइम कम होता है। तो जब इनकैपेसिटेशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिहेवियरल इफेक्ट से, कम क्राइम होते हैं, और जब ये इक्वल होता है तो क्राइम में कुछ चेंज नहीं आता। और ये उसी सिचुएशन की तरह है जब आप किसी नौजवान को बोलते हो कि आपको ज़्यादा ट्यूशन्स लेने चाहिए या फिर आपको एक फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो रियल लाइफ में क्राइम या फिर ड्रग्स की प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वजह से कई बार स्पोर्ट्स एक जरिया होता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और यही सेम इनकैपेसिटेशन इफेक्ट वायलेंट मूवीज में भी देखा गया है। जैसे एक स्टडी ने दिखाया कि जो वायलेंट क्राइम होता है वो उन दिन कम हो जाता है जहाँ ज़्यादा लोग एक वायलेंट मूवी देखने जाते हैं। उस स्टडी ने दिखाया कि जब 10 लाख ज़्यादा लोग वायलेंट मूवीज़ को देखने के लिए जाते हैं रात के 6 से 12 बजे तक, उससे वायलेंट क्राइम करीब 1% से कम हो जाता है। अभी आपको लगेगा फनी, पर रिसर्च ने देखा कि ये एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि जो वायलेंट मूवीज़ होती हैं वो यूजुअली नौजवान लोगों को अपील करती हैं, उन लोगों को जो यूजुअली मेल होते हैं, और ज़्यादा चांसेस होती हैं कि एक यंग मेल एक क्राइम करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये वायलेंट गेम्स अग्रेशन क्रिएट करती हैं और अगर हमारा काम बस ये है कि हमें लोगों का ध्यान बटाना है, तो हम नॉन वायलेंट गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनसे भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर ये एक्चुअली इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्चर्स कहते हैं कि कुछ लोग वायलेंट वीडियो गेम शायद इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी वो वायलेंस या फिर क्राइम समाज में नहीं कर सकते क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वीडियो गेम्स में वो एक्सेप्टेबल है। इसलिए वीडियो गेम्स को बैन करने से शायद एक ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, क्राइम बढ़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर सोसाइटी में वायलेंस वीडियो गेम्स की वजह से नहीं होता तो और कौन से फैक्टर्स हैं? इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है नेटफ्लिक्स में, टीवी सीरीज, मूवीज और रिसर्च में भी, और ये फील्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और एक फैक्टर होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि आपके समाज में आपकी पोजीशन कैसी है। रिसर्च ने दिखाया कि आप किस जगह रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप वायलेंस करते हैं या नहीं। जैसे साइकोलॉजिस्ट रॉबल ह्यूसमैन ने बताया कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वायलेंस देखा है, ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आप भी वायलेंस कर सकते हैं। वीडियो गेम्स के बारे में वायलेंस बस इकलौता इशू नहीं है, उससे शायद ज़्यादा बड़ा इशू है एडिक्शन, क्योंकि इसकी वजह से भी कई लोगों की मौत हो गई है मीडिया हेडलाइंस के हिसाब से। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि कई मोबाइल ऐप्स, स्पेशली सोशल मीडिया ऐप्स, ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं जिससे हम उनसे एडिक्टिव हो जाएं, और वायलेंट वीडियो गेम्स भी ऐसी ही डिज़ाइन की जाती हैं। स्टडीज़ ने दिखाया कि जिस तरह हमारा दिमाग वीडियो गेम्स पर रिएक्ट करता है, वो सेम तरीके से रिएक्ट करता है जब हम ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल प्रोफेशनल से एक टर्म क्रिएट किया है, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। साइकोलॉजिस्ट डेरिया जे क्यूज कहती हैं कि गेमिंग एडिक्शन एक रियल एडिक्शन है जिससे हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। और बस वायलेंट वीडियो गेम्स ही एडिक्टिव नहीं होती, कई नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स भी बहुत एडिक्टिव होती हैं। जैसे कैंडी क्रश ऐप को ऐसे बनाया गया है कि जैसे ही आप एक गोल कंप्लीट करते हैं, आपको एक नया गोल दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट पे नहीं आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ आप गेम खत्म करने वाले हैं, और ऐसी ही चीज़ कई वीडियो गेम्स में डिज़ाइन की जाती है। पर गेम फीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वीडियो गेम एडिक्शन की वजह से, हमारी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। US में हमने देखा है कि कैसे यंग लड़के अब काम कम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम वीडियो गेमिंग में बिता रहे हैं, क्योंकि वीडियो गेम्स में गोल्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, और जब हम अपने गेमिंग एनवायरनमेंट में इन गोल्स को अचीव करते हैं, हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने कुछ कर दिखाया, और ये गेमिंग रिवॉर्ड्स स्पेशली हमें अच्छे लगते हैं ऐसे सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जब जॉब मिलना इतना आसान नहीं। तो इन प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है वो उतने ही कॉम्प्लेक्स है जितनी प्रॉब्लम्स खुद कॉम्प्लेक्स हैं। अब क्योंकि हमने देखा है कि रिसर्च के हिसाब से वीडियो गेम्स और वायलेंस के बीच इतना स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है, इसलिए वीडियो गेम्स बैन करने से हमारी सोसाइटी में वायलेंस शायद ही कम होगा। वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए हमें एक्चुअली वो सोशल फैक्टर्स को एड्रेस करना होगा जो वायलेंस को क्रिएट करते हैं,
जैसे बेटर पुलिसिंग हमें देनी होगी और हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनको जॉब आसानी से मिल पाए और जहाँ ज़्यादा सोशल बुलिंग ना हो। ये बस दो तीन ही चीज़ें हैं, पर ऐसी ही हमें चीज़ें करनी है। अब चाहे वायलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो, पर एडिक्शन को सॉल्व करना थोड़ा आसान है। जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया कि अगर वीडियो गेम्स में हम टाइम लिमिट्स लगाएं तो उससे लोगों की एडिक्शन पर एक अच्छा असर पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के अलावा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब पूरा देश पबजी के बारे में बात कर रहा था और पबजी की आलोचना कर रहा था, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स पबजी को लिंक कर रही थी वायलेंस से, जब कोई लिंक था ही नहीं। ऐसे कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि कैसे एक यंग लड़के की मौत हो गई क्योंकि वो करीब 1.5 महीने से लगातार पबजी खेल रहा था, पर एक्चुअली उस लड़के की मौत एक इन्फेक्शन से हुई थी और ना कि किसी इंजरी की वजह से जो पबजी ने क्रिएट करी थी। ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जब वो लड़का अस्पताल में था और फिर उनके कई दोस्त उनसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि उनको एक फ़नी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके दोस्त के ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट हो गया है क्योंकि वो लगातार पबजी खेलते हैं, इसी वजह से उनकी राइट साइड पूरी पैरालाइज हो गई है और लोगों को पबजी इसलिए नहीं खेलना चाहिए। और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस न्यूज़ स्टोरी को रिपोर्ट कर दिया जब वो वीडियो वायरल होने लगा, और उन्होंने कोई मेहनत भी नहीं करी वेरीफाई करने के लिए कि ये स्टोरी सच भी है या नहीं। और ऐसी ही स्टोरीज की वजह से हमारी गवर्नमेंट भी कई डिसीजंस लेने के बारे में सोचती है उन मुद्दों पर जिनको वो इतनी अच्छी तरह नहीं समझती। मिशन कंप्लीट।